हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले ओपी प्रिजन में ओपी प्रिजन सर्वर। तो गाइस, इस सर्वर में मैंने पिछले वीडियो में बहुत काम कर लिया था। इस वीडियो में मैंने थोड़ा और काम करा था ऑफ वीडियो। मैंने ये अपनी पिकेक्स को मैच बहुत खतरनाक कर लिया था। मैंने किसी को वोट दिया था तो मैं वोट में जीत गया था। तो मुझे 70 एफिशिएंसी, 70 अनब्रेकिंग, 20 4 जून के साथ मुझे एक पिकेक मिली। तो गाइस, मुझे दो तीन बहुत अच्छी चीज़ें पता चली हैं, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले तो वुड खरीद लेता हूँ मैं, ताकि इन्हें रख सकूँ। कहाँ ये रही, कहाँ गई वो? ये रही ओक्लॉक। बाय 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 बाय, 5 स्टैक ले जाते हैं। -1 बस हो गया। अब सबसे पहले इधर लिख के टाइप करके लिखना रहता है, प्लॉट लिखना रहता है और उसके आगे लिखना रहता है प्लॉट HOME, होम। प्लॉट होम लिखने के बाद डायरेक्ट मैं अपने प्लॉट पे पहुंच जाऊंगा। वैसे यहाँ पर मैं कहीं का प्लॉट प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं अपने प्लॉट पे पहुंचा, मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया था। सबसे पहले तो मैंने ब्लॉक प्लेस कर सकता हूँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं ये ऐसे चेस्ट बना लेता हूँ। तो गाइस, जब सबसे पहले तो मैं वो बना लेता हूँ चेस्ट है। ये बन चुकी है सारी चेस्ट, लगा दी वो मैंने। अब इधर सारी वुड वुड सब रख देता हूँ, और इधर ये सारी चीज़ें रख दे, इधर नहीं सेपरेट जगह बना दूँ, जैसे मैंने अपने हार्ड कोर वर्ल्ड में बना रखी है। ये से इधर, ये मेरा फर्स्ट आर्मर है जो मैंने ये इधर रखा है। फिर ये मेरी सेकंड सोर्ड एंड सेकंड पिकेक्स। ये मेरी फर्स्ट पिकेक्स है, ये मेरी वोट वाली पिकेक्स है, ये इसी के साथ मिली थी उसके साथ, और ये वाला ये पिकेक, ये सोड इधर, ये भी इधर ही रख दो। तो गाइस, स्पॉन पे चलते। मैंने एक और भी चीज़ कर रखी है, जैसे अगर वेल डब्ल्यू वेल गए और बी पे जाए तो मुझे अब सामान मिलेगा, कौन मिलने लगेगा।
तो गाइस फाइनली 15 मिलियन होने वाले हैं। और मैं और चीज बता दूं आपको, तो इस दौरान बहुत ज्यादा चीजें हैं जो अभी मालूम ही नहीं है मुझे। गाइस मुझे ये भी जल्दी छोड़ के सब बढ़ाऊंगा, मैं न्यू सब कुछ लेऊंगा सब कुछ, लेकिन ये एफिशिएंसी नहीं लेऊंगा। एफिशिएंसी क्यों नहीं लेऊंगा, मुझे देखना है आगे नेदरराइट ब्लॉक भी आ सकते हैं, देखना नेदरराइट ब्लॉक कितनी देर टूटते हैं। एनिमेशन भी नहीं दिखा रही अब तेज में, मेरी इतनी फास्ट पे गेस हो चुकी है कि अब इसमें एनिमेशन भी नहीं दिखा। नोवा गड्ढा कर रही है। तो गाइस फाइनली 15 मिलियन हो चुके हैं मेरे पास। अब जल्दी से जाते हैं रैंक अप, कैंसिल कर दिए, रैंक अप हो चुकी है गाइस। डी रैंक अब वे पे जाना है वैसी, और ये पहुंच चुके हैं अभी। कॉल ज्यादा हुआ है, कॉल ब्लॉक नहीं आए। अगला वाला कितने पे होगा, अगला वाला कब होगा जल्दी से देखते हैं। रैंक अप 30 लाख पे, 3 मिलियन, 30 मिलियन पे 50,000 टोकन मिल चुके हैं गाइस। तो गाइस जल्दी से मैं ये सामान देखता हूँ क्या ले। लकी बूस्टर, इससे 2 टाइम्स ज़्यादा टोकन मिलेंगे। मैं तो हेड फॉर्चून लेने वाला हूँ बहुत सारी, ताकि गाइस ज़्यादा ज़्यादा सामान मिले। जो बाती उसकी अनब्रेकिंग ले लेते, एक ही ले लेते बस। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने मिलते हैं बिलो। 1 से 39 इन्वेंटरी 2 सेकंड में फुल हो गई। तीन मिलियन इतनी जल्दी, गाइस अब स्पॉन पे चलते हैं। मुझे और भी चीज़ें दिखानी है, मुझे कैसे पता चला था चीज़ों के बारे में, यहाँ से नहीं, इधर हेल्प लिखा था तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया था, तो इधर चीज़ें लिखी आ गई थी, तो मैंने कमांड लिखी आ गई थी, तो मैंने कमांड डाल ली, और मेरे टाइम वाला बुक कंप्लीट हो चुकी है क्वेट्स। एक ही ले लो और एक एक घंटे वाली ले लो, है ना गाइस। एक और चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ से मैं पास अभी 13 जेम्स है ना, यहाँ से मैं 1 जेम देके 15,000 टोकन ले सकता हूँ। लेते कैसे ये नहीं मालूम। हाँ 15,000 टोकन देके 1 जीएम दे सकता हूँ, या राइट क्लिक कुछ भी होगा। और मुझे एक और भी चीज़ दिखानी है, सब अंदर चले आए थे अभी, कहाँ गया, अच्छा हाँ इसमें वाइन्स भी आएंगी इस वाले सर्वर में। अब मैं स्पीड तो बहुत तेज है कि मुझे तो कोई
देर नहीं लगने वाली जाने में कहीं से कहीं तक भी। यहाँ से बियर वाइन ये सब मिलता है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, फालतू में पैसे क्यों लाए। और यहाँ से मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि पहले आता है अपना माइन वाला, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, किल वाला सबसे अच्छा है, लेकिन 100 किल में तो यानी कितने ही मिलेंगे। प्ले टाइम वाला भी बहुत बढ़िया है, और ये वॉकिंग वाला जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, ये बहुत मुश्किल है और अच्छा भी है। और प्लेस ब्लॉक वाला सबसे अच्छा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।